guys, this is Riddhi Jain, your certified fitness and nutrition coach. Guys, I'm back with my nutrition series 2 and I'm so excited to bring it after all the gap and after all the love that I have received on nutrition series 1. I hope this will be more exciting for all of you. Guys, उसमें हमने basic चीजें discuss करी थी जो हम रोज अपनी routine में करते हैं, some mistakes, some good things. So that जो आपके वेट लॉस को जनरली इफेक्ट करते हैं, इट इज अ जनरल थिंग. ओके, नाउ इन दिस सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ साइंस बिहाइंड ऑल दिस न्यूट्रिशन, व्हाट गोज बिहाइंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हाउ डज इट अफेक्ट आवर बॉडी, हाउ डज इट अफेक्ट आवर सेल्स, हॉर्मोन्स. इस सीरीज में माय फोकस विल बी दैट टू पर्टिकुलरली एजुकेट यू, बिकॉज आप सब दूसरों की वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस लेके कुछ भी फॉलो करते हो. गाइस, यू शुड रियली डिग डीप, यू शुड एजुकेट योरसेल्फ एंड यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, देन यू कैन टेक इट फर्दर एंड सेलेक्ट फॉर योरसेल्फ. टुडेज टॉपिक इज सिमिलर टू दिस, इट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF. सो बेसिकली गाइस, IF इज नॉट अ डाइट स्टाइल, इट इज एन ईटिंग पैटर्न. सब लोगों ने इसको इतना ज्यादा हाइप कर दिया है, सबको लगता है दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट और दिस इज समथिंग, दिस टाइप इज लाइक नॉट मेंट फॉर मी. गाइस, लेट मी टेल यू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट कंसिडर एनीथिंग एज डाइट स्टाइल और डाइट रूटीन. यू शुड ऑलवेज कंसिडर फूड एज फूड. फूड को ओवर ऑब्सेस करने की जगह कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इतना ऑब्सेस करने के बजाय फूड को फूड की तरह ही लो एंड यू शुड नो व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट्स बैड. सो टुडे गोइंग टू आवर टॉपिक, इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हाट इज इट, हाउ डू वी गो अबाउट इट, व्हाट आर इट्स सर्टेन बेनिफिट्स, हाउ डज इट हेल्प्स इन वेट लॉस. सो इन सिंपल टर्म्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एन ईटिंग पैटर्न विच रिवॉल्व्स मोर अराउंड योर फास्टिंग विंडो एंड योर ईटिंग विंडो. सो बेसिकली ये एक तरीके का आप कह लो फूड स्टाइल, मतलब योर डेली रूटीन का पैटर्न है जिसमें यू फास्ट फॉर सम आवर्स एंड यू ईट फॉर द रेस्ट ऑफ द आवर्स, जो कि हम रोज करते ही हैं. इट्स जस्ट दैट सबका ईटिंग विंडो अलग होता है, सबका फास्टिंग विंडो अलग होता है. इट्स ऑब्वियस कि आप रात को 8 बजे डिनर करते हो एंड अगले दिन यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट 9, तो यू हैड योर फास्टिंग फॉर मोर देन 12 आवर्स. This is very good. Already you are doing intermittent fasting. So guys, let's take it further. First of all is that it does not focus on which food you have to eat. It focuses on your time intervals you have to eat. So basic intermittent fasting plan that I recommend is to start from 12 hours of fasting if you are a beginner. If you are a beginner, you should not force yourself ki yaar everybody is doing 16-8, let me also try. Please go for 12-8, like aap raat ko 8 baje dinner kar rahe ho, then again in the morning you're having your breakfast at 8-9, which is very good. And then you feel ki yeah, I can fast for more, then you can exceed to 14 hours, then you can exceed up to 16 hours, you can exceed up to 20 hours. It totally depends on your body and how your body is responding to this fasting. The more you fast, the more better it is for you. Because fasting के time हमारी body में कुछ ऐसे hormones release होते हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगी, जो आपकी body का function और fast कर देते हैं fat burning का. So basically, if our body is not being served food, the body will use the used the stored fat cells which are already there in our body टू गेट एनर्जी जो हम ऑलरेडी अपने दिन की एक्टिविटीज करने के लिए यूज करते हैं. दैट्स हाउ योर फैट सेल्स विल गेट बर्न. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट दैट हाउ डज IF हेल्प्स इन फैट लॉस. गाइस, ये है हमारा एक हॉर्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है व्हेन वी आर इन टीन्स, व्हेन वी आर इन ग्रोइंग एज, क्योंकि उस टाइम वी रिक्वायर टू बिल्ड अप मसल्स, टू बिल्ड अप बोन्स, सो दैट टू वी इंक्रीज आवर हाइट एंड वी बिल्ड अ ग्रेट बॉडी.
जब एज सून एज वी आर यू नो बिकमिंग एल्डर वी क्रॉस 20 आवर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन डिक्लाइंस सो व्हाट डज दैट डू टू आवर बॉडी इट हेल्प्स इन स्टोरिंग अप दैट फैट इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वी आर एबल टू बर्न दैट फैट एंड यूटिलाइज इट एज एनर्जी दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट नाउ हाउ डू वी इंक्रीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आफ्टर 20 So this is the concept where IF comes. IF comes, so it helps you in fasting. The more you fast, the more you are in fasting state, your human growth hormone will increase. Because as soon as you fast, the hormone will increase and it will help to burn those stored fat cells and utilize their energy, jo hum daily activity mein use kar sakte. It also helps in स्पेयरिंग द प्रोटीन बेसिकली क्या होता है हमारी बॉडी 4 days तक स्टार्वेशन मोड में रह सकती है मतलब इट बॉडी अंडरस्टैंड्स जो यूज अप हमारी एनर्जी जो अंडर स्टोर्ड है वो हम यूज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी फूड सो हाउ डज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स हियर दैट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यू नो टेल्स द बॉडी कि आपको जो प्रोटीन जो हमारा मसल मास है वो बर्न नहीं करना है फॉर जब तक आपको खाना नहीं मिल रहा है इंस्टेड यू हैव टू बर्न दैट फैट जो स्टोर है तभी इट विल हेल्प कि आपकी वो फैट से एनर्जी ब्रेक डाउन होगी एंड यू विल यूज इट फॉर योर डेली एक्टिविटीज दैट्स हाउ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वर्क्स ओके नाउ कमिंग टू आवर सेकंड हार्मोन व्हिच इज इंसुलिन मैं इंसुलिन के बारे में पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ एंड अब भी आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट आई विल नॉट गो इन डिटेल गाइस इंसुलिन लेवल का हमारी बॉडी में फर्क पड़ेगा तभी जाके हमारे फैट को यूज होने का मौका मिलेगा बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन आवर फैट डज नॉट गेट यूज इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन तो व्हेन वी डू आईएफ जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं आवर बॉडी डज नॉट हैव एनी फूड तो हमारा इंसुलिन कम होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी अब वो फैट सेल्स यूज कर सकती है सो बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन सेंसिटिविटी अ बॉडी इज एबल टू बर्न फैट यू शुड अंडरस्टैंड इट इन सिंपल टर्म्स द मोर यू फास्ट द मोर विल बी द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसकी वजह से आपको ये फैट बर्न करने में ज्यादा आसानी होगी एंड यू विल बी एबल टू सेव योर मसल्स गाइस यू विल नॉट बी लूजिंग ऑन योर मसल मास ओके देन कम्स योर सेलुलर रिपेयर आप फास्टिंग करने से आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे में वीकनेस आ रही है इनिशियली यू विल फील दीज चेंजेस बट ग्रेजुअली व्हेन योर बॉडी अडैप्ट्स टू इट एंड योर बॉडी इज डिजाइन इन सच अ वे कि आप फास्ट कर सकते हो आराम से फॉर 3 to 4 days यू कैन सर्वाइव विदाउट But when you start with this IF pattern, your body will turn into a kind of super body. You will have more energy. Your cells will repair in such a manner that your reflexes will work sharply and aapko lagega that you have more energy, you are feeling less lethargic and your nutrition efficiency increases. Basically, aapki body ko jitna bhi khana milega, It will divide the nutrients, it will use the nutrients in such a way that aapki body ko muscle mass build up karne mein zyada efficiency milegi rather than storing it as fat. So this is the basic concept behind IF that goes how your body responds. Your body responds in a much, much positive way agar aap IF adopt karte ho. IF adopt karne ke liye ye matlab nahi hai ki aap apni eating window mein You are eating more than your maintenance calories. Again, coming to this point, IF is responsible for your healthy fat loss, but it is only responsible when you are eating healthy. Guys, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उस 8 घंटे की eating window में you are eating everything junk. There is no use of IF. IF won't help. So basically, IF is a stimulant, and if you are eating healthy, if you are eating a very healthy pattern. Basically, breakfast, lunch, dinner, and all home cooking and all the basic recipes, IF will work wonders for you. If your weight is stuck, you can definitely go for this kind of pattern and experience it for yourself. Even I am following it and I'm loving this style. Those of my clients who are able to follow it, I give them. And those who are not able to follow it,
आई गिव देम अकॉर्डिंगली कि चलो इट्स ओके यू कैन स्टार्ट विद 10 आवर फास्टिंग 12 आवर फास्टिंग फास्टिंग इज फास्टिंग फॉर वट एवर टाइम यू आर डूइंग द मोर यू फास्ट द मोर इट इज बेटर सो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो वट शुड बी इंक्लूड इन दिस आई एफ टाइम सो बेसिकली गाइज आई एफ तभी वर्क करेगा वेन यू आर इन कैलरी डेफिसिट सो देयर आर योर मेंटेनेंस कैलरीज जो आपको अपना बॉडी वेट रखने के लिए चाहिए ही मिनिमम So if you're eating a little less than those calories means that you're in a calorie deficit, then it will work wonders for you. It will help you, you know, burn that fat and do not lose that muscle mass. But if you're eating in maintenance calories or above a little more than that, it won't work that much for you. You won't experience weight loss. Maybe you will stay at plateau. So what should you include in your meals? So basically, first of all, whenever you break your fast, you should always break it with a fruit because itni der ki fasting ke baad, it's always good to hydrate yourself and give that essential sugar to your body ki requirement. Then comes your major meals and major meals should always be a good combination of carbs, proteins and fats. So all the protein according to your body weight should be included in all your meals. Complex carbs should be included. Brown rice, quinoa, ragi, jowar, barley, all complex carbs should be included, wheat for that matter. And all the healthy fats should be included. Eggs, nuts, you should include these healthy fats in your meal. Guys, hume at the end khana sab hai, but you have to remain in a calorie deficit. That's what will work only if you follow a certain plan for yourself. And it's always essential to include that veggies. Fiber include karna bahut zaruri hai. So always make sure jo main point bana ke rakhti hu that half of my plate is vegetables and half of it is mixture of every other macro. I hope it helped you. IF gives you a lot of benefits. It helps you boost your metabolism. It helps you burn your fat. It does. It protects your muscle mass. It helps to prevent type 2 diabetes and even cancer for longer term if you follow. It's like a lifestyle change, guys. Again, it's not a diet pattern. It's a lifestyle change. So if you follow it for longer term, it will definitely help for major diseases like type 2 diabetes, heart diseases, or even cancer. And then there are people who should not do it. So pregnant women should not do it or breastfeeding mothers should not do it because fasting aapki body ko thoda weak kar deta hai and when you need that energy you already have a little human being along with you so you need that energy you need proper nutrients so I think those who have some medical conditions or those who are pregnant those who are trying to conceive those who are breastfeeding should consult their doctors before doing any kind of this pattern and should avoid according to me. So guys, I hope this video helped you a lot. I will be coming up with these kind of videos explaining you the science behind every pattern, every kind of lifestyle change, every kind of healthy change that you should bring in your life, but with proper knowledge and education. So guys, I hope you stay healthy, educate yourself about different nutrition patterns, and I will be helping you in that with all of my videos. Subscribe to my channel, follow me on Instagram and Facebook, and stay tuned for my videos. Goodbye. Stay healthy.